ओके तो फाइनली वन प्लस नॉट सी 4 इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है और ये लोग प्राइस जो 25,000 रखे हैं और इस प्राइस में अभी इस फोन से काफ़ी बेटर फोन है। अभी मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ, उससे पहले ना कुछ इस फोन के बारे में जान लेते हैं क्योंकि अभी आपको काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी, काफ़ी यूट्यूबर इसकी तारीफ कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छा फोन है, ले लो 25,000 के अंदर तो बेस्ट ही फोन है। बट भाई बेस्ट कुछ है नहीं, काफ़ी प्रॉब्लम है, सारा कुछ बताऊंगा और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा कि आपको अभी के टाइम पे 25,000 के अंदर कौन कौन सा फोन लेना चाहिए। तो चलिए आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आइए इसके बारे में बात। सबसे पहले बात करें अगर बॉक्स में, तो बॉक्स में आपको हर एक सामग्री देखने को मिल जाती है जो आपको चाहिए इनिशियल जब आप फोन स्टार्ट करेंगे। टेम्पर्ड ग्लास प्री अप्लाइड मिल जाएगा, चार्जर आपको बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, सारा कुछ आपको मिल जाएगा बॉक्स में। तो यहाँ पे बॉक्स में आपको कोई भी कमी ये लोग नहीं छोड़े। बाकी अगर बात करें डिज़ाइन की, तो यहाँ पे आप डिज़ाइन देख सकते हो, वन प्लस की वही टिपिकल डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी जो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस यहाँ पे कैमरा वगैरह इस बार आपको वर्टिकल कर दिया गया है, बट यहाँ पे बैक साइड में आपको डुअल कैमरा ही देखने को मिलता है यहाँ पे। और ये फ़ोन आपको दो कलर में देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। और यहाँ पे मैं बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखा हूँ, वहाँ पे जो इसकी फ़ोटोज़ की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है अंडर 25 के। और अगर बात करें वीडियो वगैरह की, तो मैं बहुत सारा इसका टेस्ट वगैरह देखा हूँ, वहाँ पे जो मुझे समझ में आया इसकी वीडियो की जो क्वालिटी है वो प्राइस अकॉर्डिंग अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है बट अच्छी है, आप इसको एवरेज लेके चलें। बाकी अगर बात करें डिस्प्ले में, तो यहाँ पे आपको 6.7 इंच की एक फुल HD प्लस एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो 10 बिट डिस्प्ले है और यहाँ पे कलर वगैरह काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं। बट इसके डिस्प्ले में ना एक प्रॉब्लम मुझे लगी है, यहाँ पे अगर आप HDR वगैरह कंटेंट देखते हो ना तो वहाँ पे थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ये 4K में HDR उतना अच्छे से प्ले नहीं कर पाती इसकी डिस्प्ले वगैरह, जो एक माइनर सा आप बोल सकते हो कि प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे जो बाकी फ़ोन है 25,000 के अंदर ये चीज़ काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बट यहाँ पे आपको डिस्प्ले में ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। बाकी ये फ़ोन आता है एंड्रॉयड 14 के साथ में और यहाँ पे 2 साल का OS अपडेट, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट, बाकी कंपटीटर यार 3 साल का OS अपडेट दे रहे हैं बट इसमें आपको केवल 2 ही साल का अपडेट देखने को मिलेगा। तो ये भी आप एक माइनर सा टिली मिस्टेक लेके चल सकते हैं। बाकी देखो यहाँ पे अलर्ट स्लाइडर वगैरह अगर आप मिस कर रहे हैं वन प्लस के फोन में तो इसमें भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इस फोन में 5500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है और ये फ़ोन 100 वाट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और बॉक्स में चार्जर भी ये लोग देते हैं तो काफ़ी अच्छा है। ये 30 मिनट में लगभग यहाँ पे फुल चार्ज वगैरह हो जाएगा तो ये आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। बैटरी बैकअप वगैरह यहाँ पे अगर आप नॉर्मली गेमिंग वगैरह करेंगे तो भाई मस्त ये 8-9 घंटे चला देगा। अगर आप यूट्यूब देख रहे हो गेमिंग वगैरह करें तो नॉर्मल टास्क होता है तो 8-9 घंटे आपको बोलना नहीं पड़ेगा, इसकी बैटरी वगैरह इनफ है। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। बाकी ये फ़ोन ऑक्सीजन OS के साथ में आएगा, ऑक्सीजन OS 14 के साथ में, तो कोई ब्लॉटवेयर कोई ऐड जैसी झंझट देखने को नहीं मिलेगी जो बाकी फ़ोन देते हैं, वो सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट समझ सकते हो इस फ़ोन में, मुझे स्पेशली अच्छी लगी। वैसे नथिंग फ़ोन 2 ABC प्राइस में आता है, उसमें भी आपको कोई ब्लॉटवेयर कोई ऐड वगैरह कोई सजेशन वगैरह देखने को नहीं मिलता है, तो ये भी एक सही चीज़ है। बाकी अगर बात करें परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में, तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब जो इसके कंपटीटर हैं 25,000 के अंदर, अब वो थोड़ा ज़्यादा बेटर कर रहे हैं परफॉर्मेंस के मामले में, ये थोड़ा आपको कम परफॉर्मेंस ला के देगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान दे लेना कि यहाँ पे आपको उतना बेटर परफॉर्मेंस वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। बाकी हाँ नॉर्मल गेमिंग वगैरह आप कर सकते हो बट हाई लेवल वाली गेमिंग वगैरह एस्पेक्ट मत करना इससे आप करोगे। बाकी यहाँ पे ये प्रोसेसर एक 5G है तो यहाँ पे आपको 7 5G बैंड भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये मुझे एक चीज़ समझ में नहीं है, आज के टाइम पे इनको कम से कम भाई 12-13 5G बैंड देना चाहिए, बाकी जो कंपटीटर है वो दे रहे हैं। यहाँ पे भी आपको थोड़ा इसमें भी ये लोग थोड़ा कंजूसाई किए हैं तो ये चीज़ भी आपको देखना पड़ेगा। बाकी आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे 25,000 के अंदर एक अच्छा फ़ोन जिसमें आप मस्त गेमिंग कर पाओ, मस्त चीज़ें कर पाओ, तो आपको पोको X6 Pro देखना चाहिए जो परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी बेटर है इससे। उसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो इससे काफ़ी बेटर है, N22 स्कोर वगैरह उसका काफ़ी बेटर है, गेमिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी कर लेंगे आप लोग, तो वो फ़ोन आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे उस फ़ोन में भी एक प्रॉब्लम है, उसमें आपको ब्लॉटवेयर ऐड भर के देखने को मिलेंगे क्योंकि पोको का फ़ोन है तो वो चीज़ आपको थोड़ा देखने को मिलेगा, सजेशन वगैरह मिलेगा, बाकी इसमें आपको क्लीन एक्सपीरियंस मिलेगा।
तो थोड़े थोड़े कंप्रोमाइज हैं। बाकी अगर आपको एक अच्छी डिज़ाइन वाला फ़ोन चाहिए और थोड़ा आप एक अलग OS ट्राई करना चाहते हैं तो नथिंग फोन 2A भी आप अभी के टाइम देख सकते हो, अंडर 25 के काफ़ी अच्छा फ़ोन है, बिल्कुल क्लीन एक्सपीरियंस के साथ में आता है, कोई सजेशन कोई ब्लॉटवेयर वगैरह नहीं होता, तो वो भी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। वैसे परफॉर्मेंस वगैरह उसकी भी एवरेज ही देखने को मिलेगी। अगर आपको एक ऑलराउंडर फ़ोन अगर चाहिए तो मैं कहूँगा पोको X6 Pro आँख बंद करके ले लो, अंडर 25 के काफ़ी अच्छा है। बाकी अगर आपको डिज़ाइन चाहिए तो नथिंग फोन 2A देख सकते हो। बाकी OnePlus Nord CE4 भी बुरा नहीं है, अगर आपको एक इसकी डिज़ाइन पसंद है, OnePlus की ब्रांडिंग चाहिए और बिल्कुल क्लीन एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए, कैमरा वगैरह भी ठीक ठाक चाहिए, तो आप इसको भी देख सकते हो। तो ये कुछ रहा मेरा ओपिनियन इस फ़ोन के लिए, को उम्मीद करता हूँ आपका ये कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ होगा कि इस फ़ोन को लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और 25,000 के अंदर कौन कौन से बेस्ट फ़ोन है वो तो मैं आपको बता ही दिया। तो अगर आपको प्राइस वगैरह देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हूँ, आप जाके प्राइस वगैरह एक बार चेक कर सकते हो इन तीनों फ़ोन का। मुझे अगर लिंक वगैरह मिलेगी तो मैं दे दूंगा, आप जाके एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।